फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत प्यारा हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे फ्रंट साइड का। तो उसके लिए ये हमने पेस्टिंग लिया है, तो सारे मैनेजमेंट हम इस पे ले लेते हैं और कटिंग करते हैं। और ये हमारा कुर्ती है, इसी पे बनाना है। तो पहले हम इस पे मैनेजमेंट लेंगे, तो इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम लेंगे टेप से नाप, तो यहाँ से लेंगे 3 इंच और साइज देखेंगे 7 इंच रखेंगे। डिजाइनिंग लग के 1 इंच कम हो जाएगी। और यहाँ से लेंगे 3 इंच इससे इसको मिलाएंगे। इसी में अब डिज़ाइनिंग बनेगी, तो वो कैसे बनेगी वो देखिए। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो पहले हम ये डिज़ाइनिंग लगाएंगे, उसके बाद अंदर वाला डिज़ाइनिंग को हम इधर से इधर मिला के सिक्योर करेंगे। इसके अंदर जो हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे उससे हम इससे कटिंग करेंगे। तो इसी के साइज का पहले चौकोर कट कर लेंगे। तो ये हमने इस साइज का कट किया है और इसमें जो हम डिज़ाइनिंग लगाएंगे इससे कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इसके ऊपर इस तरीके से आएगा। एक्स्ट्रा वाला को हम कट करेंगे। ये दोनों को हमें फैब्रिक से स्टिच करना है, तो पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम आयरन से इसको इसमें चिपका लेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए। पहले हम आयरन से इसको प्रेस कर लेते हैं। हमने इस तरीके से आयरन कर लिया है, अब एक्स्ट्रे वाले को कट कर लेते हैं। इस टाइप से कर लेंगे सब साइड से इसको स्टिच। तो वो हम छोटे छोटे कट्स लगा के 1-2 कर लेते हैं स्टिचिंग।
इस तरीके से हमने इसमें स्टिच कर लिया है। सब तरफ से स्टिचिंग हो चुकी है, अब हम चिपकाते हैं इसको कुर्ती में बराबर करते हुए। यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। इस तरीके से रख लेंगे और इसके सेंटर में कट लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच मिलाते हुए अब इसको कर लेते हैं किनारे से स्टिच। तो इस तरीके से हमने पूरे पे सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है। इसके अंदर से कपड़ा निकाल लेते हैं हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए। इसी तरीके से पूरे को कट कर लेंगे। इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें लगाएंगे पाइपिंग। इस टाइप से और इसमें लगाते हैं पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए हमें पिंक कलर की फैब्रिक से पाइपिंग लगाना है, तो वो इस टाइप से बारीक सी पाइपिंग लगानी है, तो वो लगाते हैं। तो इसके लिए हमें पाइपिंग कट करना है, तो वो मैं इससे निकाल लेती हूँ। एक पाइपिंग, तीन चार पाइपिंग। नेक पे लगाने के लिए और इसको हम डोरी की तरह बना लेंगे। तो अब लगा लेते हैं पाइपिंग। तो ये इस टाइप से हमने डोरी टाइप का उड़ेब पाइपिंग बना लिया है। ये अब इसमें किनारा से बिल्कुल बारीक सा अटैच करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो वो लगा रहे हैं। बिल्कुल किनारा से इसी टाइप से बिल्कुल किनारा लगाना है, फिर इधर साइड की ओर मुड़ा लेना है। इसी तरीके से पूरे में बारीक लगाना है। Thank you.
घुमाएंगे हम इधर की साइड। तो ये लग गई पाइपिंग, ये देखिए कितना बारीक पाइपिंग लग चुकी है। अब इसमें वो डिजाइनिंग लगाएंगे, तो इसके ऊपर डाल लेना है। तो यहाँ से रखेंगे, इस तरीके से, और सेम इसी के साइज से चला लेंगे सिलाई। इसके ये डबल कपड़ा है, किनारा करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इससे। एक कट यहाँ लगाएंगे, इसको पलट लेंगे। तो ये हमने किनारा करते हुए पलट लिया है। अब इसके ऊपर भी हमें लगाना है पाइपिंग। इसके ऊपर पाइपिंग अटैच करेंगे, तो ये वाले पाइपिंग को हम इस टाइप से डालते हुए कर लेंगे अटैच। तो यहाँ से लेते हैं इस तरीके से और कर लेंगे अटैच। टाइप से फिर इधर की साइड हम लगा लेंगे उसी तरह बिल्कुल किनारा से। एक्स्ट्रे वाले को कर देंगे कटिंग और एक सिलाई और लगाएंगे ये पाइपिंग पकड़ते हुए। फिर इधर की साइड तो ये हमने इधर भी सिलाई लगा लिया और ये कर लिया रेडी। अब करते हैं इसको नेक पे अटैच। तो वो इस टाइप से लेंगे और इसके ऊपर हमें बिल्कुल बराबर से बैठा देना है। ये देखिए इस टाइप से हम इसको बैठाएंगे बिल्कुल बराबर से सेंटर मार्किंग। और यहाँ से अब इस गले को बिल्कुल बराबर से
इसके ऊपर अटैच करके बैठाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे एक चाहे तो हम सो बटन छोटा सा बनाकर लगा सकते हैं या कोई भी बटन हम लगा सकते हैं। तो अब इसको कर लेते हैं इसमें अटैच। तो इधर से आते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम अटैच करने से पहले एक टांका लगा लेते हैं, यहाँ पे चला लेते हैं इस पर हम एक एक सिलाई। तो वो सिलाई बिल्कुल किनारा करते हुए यहाँ पे मिलाते हुए हमें चलाना है। अब चलाएंगे नीचे। दोनों को मिलाना है, जितना इधर उतना इधर। इधर की साइड हम घुमा लेंगे। तो इसी टाइप से पूरे पे सिलाई लगाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा डिजाइनिंग नेक की सिंपल सी बन चुकी है। तो इस टाइप से ये बन चुकी है। अब यहाँ पे बना के लगाएंगे सो बटन। तो वो हम दो कलर का लगाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो इस टाइप से इसमें हम जोड़ लेंगे। और इसमें डालेंगे हम बटन और बनाएंगे। तो चलिए वो बनाते हैं। दो छोटी छोटी बटन है और ये हमने ज्वाइंट करके फैब्रिक को बनाया बटन लगाने के लिए। अब इसमें हम लगाएंगे बटन। तो अंदर की तरफ हम दो बटन डाल लेंगे इस टाइप से। अब बना देते हैं बटन इसके इस टाइप से। आप चाहें तो दो कलर के भी बना सकते हैं ऐसे भी। तो दो कलर के ही बना लेते हैं बीचों बीच करके इस टाइप से। ये लिया है सुई में धागा। एक को खींच लेंगे और इसको बना लेंगे इस टाइप से पोटली। इस ट्रे वाले को करेंगे कट। तो ये हमने कर दिया कट। अब यहाँ पे इस बटन को डालेंगे यहाँ। और डालने के बाद इसको यहाँ डालने के बाद आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और कर लेंगे इसको हेम बारीक बारीक धागा पकड़ते हुए।
इसको हेम टाइप से करेंगे। इस टाइप से तो ये कर लिए हमने हेम। अब अंदर की तरफ से धागे को कर लेंगे कट। अब मैं दिखाती हूँ नेक को, देखिए कितना प्यारा सिंपल में ये डिज़ाइन है। अगर जिनको ज़्यादा हैवी डिज़ाइन पसंद नहीं है वो इस तरीके का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये नेक का फाइनल लुक है। तो कैसा लगा ये नेक का, सिंपल भी है और इजी भी है और बहुत लेटेस्ट में चल रहा है, ट्रेंडिंग में अभी ये चल रहा है नेक डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।